हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवेल एक्सप्लेन। सो अभी मैं एवरलास्टिंग लव मांगा का नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो जिंगशो होता है और पिंगशो दोनों साथ में होते हैं, और जो पिंगशन है वो जिंगशो को समझा रहा होता है कि तुम लूजन के मामले में मत पड़ा करो और अच्छे से अपना खाना फिनिश करो। और ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी उसे कॉल आता है लूजन का। और तभी हम देखते हैं जो लूजन है वो उससे बोल रहा होता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ हॉस्पिटल में। और फिर हम देखते हैं आगे जो मतलब हॉस्पिटल में सीन होता है, और जो लूजन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी हालत में होता है और सभी डॉक्टर्स को बोल रहा होता है कि जो रंजन है उसे रिकग्नाइज़ तो कर लिया है लेकिन वो उसे टच करने नहीं दे रहा है। और फिर वो उसे बताता है कि मैं उसके लिए आज एप्पल पील करने गया था लेकिन जब मैंने देखा तो वो अपने जो रिस्ट हैं उसे ब्लेड से कट करने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसा सुसाइड करने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ हार्म के लिए कर रहा था, क्योंकि जो यंजन है वो अभी लूजन को रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और अल्फा से मार्क्ड है। तभी जो पिंक्शन है वो उससे बोलता है कि उसने हर एक चीज़ तोड़फोड़ कर दी होगी अभी। तो फिर जो लूजन कहता है कि हाँ ऐसा ही है, और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर होता है जो कि काफ़ी मतलब एज में छोटा होता है, और वो उसे एडवाइस देता है कि अगर तुम्हारी जो कंपैटिबिलिटी है पेशेंट से ज़्यादा है, मतलब जिसने उसे मार किया उससे ज़्यादा है, तो फिर तुम अपना गोल अचीव कर सकते हो, लेकिन इसमें फेलियर होने का रिस्क है। तो फिर उसकी बात सुनकर जो लूजन है वो पिंक्शन की तरह देखने लगता है, और फिर वो उसे बताता है कि मेरी जो कंपैटिबिलिटी है अंजन के साथ काफ़ी लो है। तो फिर जो दूसरे डॉक्टर हैं वो उसे दूसरी एडवाइस देते हैं कि तो फिर तुम्हें उसे इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो वो डॉक्टर होता है ना, वो पिंक्शन से बात करता है कि लूजन ऐसे क्यों बोल रहा था और उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो कैसी है। तभी जो पिंक्शन है वो उसे समझाता है कि तुमने अच्छा हुआ वो गुस्सा नहीं हुआ, तुम्हें ऐसी बात उसके सामने नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता भी है इससे तुम्हारी जान जा सकती थी। तो फिर वो डॉक्टर उससे बोलता है कंपैटिबिलिटी क्या उसकी बहुत ही ज़्यादा लो है। तो फिर पिंक्शन उसे बताता है कि 75% है, जिसकी बात सुन के वो डॉक्टर उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने कभी किसी कपल को इतने ज़्यादा कम कंपैटिबिलिटी से साथ होकर नहीं देखा है। तो फिर जो पिंक्शन है वो उससे कहता है कि हाँ इतनी ही लो है, और अच्छा हुआ कि उसे गुस्सा नहीं आया, और आइंदा से तुम केयरफुल रहना, कुछ भी बोलोगे लूजन के सामने सोच समझ के बोलना, अदरवाइज तुम्हारी जान जा सकती है। और फिर वो ऑफिस के जाने उसे ऑफिस में जाने के लिए बोलता है। तभी जो पिंक्शन है वो अपने मन में सोचता है अच्छा हुआ इसके वर्ड्स सुनकर लूजन को गुस्सा नहीं आया, वरना जो मेरा छोटा सा अफेयर है वो भी ख़त्म हो जाता और ये बच्चा किसी बड़ी ही मुसीबत में पड़ सकता था। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो यंजन है वो एक कोने में सोया हुआ होता है, तभी लूजन उसके पास जाता है। तो फिर जो रंजन है वो नींद में बड़बड़ाता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तभी जो लूजन है वो उसे अच्छे से उठाता है और उसे बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है, और उससे बोलता है कि चलो साथ में कुछ नाश्ता खाते हैं। और तभी रंजन उससे पूछता है कि क्या तुमने कुक किया है। तो फिर जो लूजन है वो उससे बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए कुक किया है। और फिर वो सोचता है मन में अपने कि जो शेफ़ मैंने तुम्हारे लिए हायर किया था तो तुमने उसे बाहर भगा दिया, और तो और तुमने पुलिस को भी रिपोर्ट करने की कोशिश की थी वो भी मेरे ही फ़ोन से कि मैं तुम्हें पॉइजन देना चाहता हूँ, मेरी फिर से को हायर करने की हिम्मत नहीं है। और फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता प्रिपेयर करके आता हूँ। और तभी जो यंजन है वो उससे बोलता है कि मुझे मेलन सूप खाना है। तो फिर जो लूजन है वो उससे बोलता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर वेट करो। और फिर हम देखते हैं जो लूजन है वो किचन के अंदर जाता है और वहाँ पर एक मेलन उठाता है, तभी उसे आवाज़ आती है अंजन की और वो भागकर जाता है। और हम देखते हैं जो अंजन है वो अपने रिस्ट को फिर से काटने की कोशिश करता है, तो लूजन उससे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर वो देखते हैं कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो थोड़ा उसे कंसोल करता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें पता है इससे मुझे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें ऐसे हर्ट देख के। तो फिर अंजन उससे बोलता है कि मुझे मेलन सूप पीना है। तो फिर जो लूजन है वो उसे साथ में किचन में ले आता है और उससे बोलता है कि यहाँ पर बैठ जाओ, इससे मैं तुम्हें देख सकता हूँ। और फिर वो मेलन को काटने लगते हैं और फिर वो सोचता है अपने मन में ये अच्छी तरह से नहीं कटे हैं, और लेकिन फिर भी वो उसके लिए जो सूप है वो प्रिपेयर करते हैं और उसे खिलाने लगते हैं अपने हाथ से। तभी जो यंजी है वो उसे बोलता है कि ये
मेलन सूप नहीं है, ये एक पम्पकिन सूप है। तो फिर जो लुजिन है वो उससे बोलता है कि तुम ऐसे ट्रेवल क्रिएट मत करो, ये मेलन सूप ही है। तो उसकी बात सुन के अंजन उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे पम्पकिन सूप पीना है, और फिर वो नखरे करने लगते हैं। तो फिर लुजिन उससे बोलता है कि यहाँ देखो मेरी ओर, क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें मेरे बारे में सब याद आ गया है। तो इसी के साथ ये वाला सीन यहीं पर फिनिश हो जाता है। सो तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो अंजन है वो लुजिन का नाम लेता है, जिसे देख के लुजिन को थोड़ा सा होप मिलता है कि वो उसे उसके बारे में याद आ गया, और फिर वो बोलता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। तभी जो अंजन है वो अपने पेट पर हाथ रखता है और उससे बोलता है कि लुजिन मेरा जो स्टमक है बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो फिर उसकी बात सुनकर अंजन वो हग करता है और उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, प्लीज़ मैं आइंदा से तुम्हें कभी ऐसे सफ़र होने नहीं दूँगा, चलो अब साथ में खाना खाते हैं। तभी अंजन को पता नहीं क्या होता है और वो जो उस वहाँ पर खाना होता है टेबल पर रखा हुआ उसे फेंक देता है, और फिर वो उससे बोलता है कि लुजिन मैं लुजिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। तभी जो लुजिन है उसकी ओर देखने लगता है और वो खाने को वहाँ से साफ करता है। तभी अंजन अपने रूम में जाता है और देखता है उसके फ़ोन में एक पिक्चर होती है जो कि लुजिन और उसके साथ में एक ओमेगा होता है, और उसे देख के जो अंजन है उसे काफ़ी बुरा लगता है और सोचता है कि ये इंसान ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में याद आ गया है, और फिर वो उस पिक्चर को सेव कर लेता है। और लुजिन के बारे में उसे थोड़ी थोड़ी मेमोरीज आने लगती हैं कि मुझे लगता है कि इस फ़ोटो को मैंने बहुत ही बार टच किया है, लेकिन पता नहीं क्यों जो भी मतलब मेरी मेमोरी में जो अल्फा है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसा टेंडर नहीं था, ना ही मुझे ऐसे पैम्पर करता था। और फिर हम देखते हैं जो लुजिन और यंजी दोनों की जो उसे मेमोरीज आ रही होती हैं, जिसमें जो लुजिन उसे टॉर्चर कर रहा होता है बहुत ही बुरे तरीके से, उसे फोर्स कर रहा होता है। और यहाँ पर जो यंजन है वो लुजिन से बोल रहा होता है कि सर मुझे सांस नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता और उसके गले को पकड़ कर रखता है। तभी जो यंजन है वो सोचता है कि मेरी जो मेमोरी में लुजिन है वो हमेशा ही दूसरों को दर्द देना पसंद करता था, उसे बहुत ही अच्छा लगता था मेरी सफरिंग को देख के। और तभी हम देखते हैं जो यंजन है उसके पास उसका दूसरा वर्जन आता है, जो कि मतलब प्रेजेंट वाला यंजन है वो पास्ट में अपनी मेमोरीज में जाता है और दूसरे जो यंजन है उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं अपनी जो मेमोरीज में यंजन लुजिन को बोल रहा होता है कि सर प्लीज़ मुझे मार कर लो और मुझे अपना ओमेगा बना लो, लेकिन जो लुजिन है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और उसका हाथ है वो भी जला देता है और उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सकता और तुम्हें तुम्हारी जो पोजीशन है वो याद रखनी चाहिए, तुम अभी सिर्फ एक सर्वेंट हो और तुम्हें तुम्हारे बारे में याद दिलाना मेरा फ़र्ज है, आई होप कि तुम फिर से मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे मार्क के बारे में। तभी ये सारी चीज़ें जो प्रेजेंट वाला यंजन है वो सारी चीज़ें याद करता है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। सो तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो प्रेजेंट का यंजन होता है वो अपने पास्ट में जाता है और जहाँ पर जो यंजी है उसे लुजिन बहुत ही मिसट्रीट करता है, तभी वहाँ पे उसकी मेमोरी में लुजिन चला जाता है। तो जो प्रेजेंट का यंजन है वो हमारे पास्ट वाले यंजी के पास जाता है और उससे बोलता है कि ये क्या हो रहा है, तुम इतना ज़्यादा पेन कैसे सह सकते हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो पास्ट का यंजी है वो उसे बोलता है कि तुम्हें पता है मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसका वेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसका तब तक वेट करूँगा जब तक वो मुझसे फिर से प्यार नहीं करने लग जाता। तो जो प्रेजेंट का यंजी है वो उस पर चिल्लाता है, उससे बोलता है कि तुम क्या वेट कर भी सकते हो। तो फिर जो पास्ट का यंजी है वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं उसके लिए वेट कर सकता हूँ कि यहाँ नहीं, एक्चुअली मैं अभी थोड़ा थक गया हूँ, मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैं उसके लिए वेट करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें याद आते ही जो प्रेजेंट का यंजी है वो चिल्लाने लगता है कि नहीं मैं वो नहीं हो सकता, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और उसे ये लुजिन की है सारी मेमोरीज याद आती हैं और साथ ही लुजिन का वो वाला पल भी याद आ जाता है जब जो लुजिन है उसने उसका फोर्सली अबॉर्शन किया था जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था और वो उस सदमे से अभी तक उबर नहीं पाया है। तो जो लुजिन है उसकी बारे में याद आती है, अंजी अपने आप से बोलता है कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ, और फिर उसे जो शोवेंची है उसके बारे में भी याद आ जाता है कि कैसे वो उसके पीछे उसके ग्लैंड हंटर्स के लिए पड़ा था, और ये सब याद आती है, वो चिल्लाने लगता है और अपने रूम से बाहर आ जाता है। तभी लुजिन उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, और प्लीज़ रोना बंद करो,
मैं तुम्हारे लिए अभी पम्पकिन सूप बनाता हूँ, मैंने किसी को भेजा है पम्पकिन लेने के लिए। तभी अंजी रोते हुए उससे बोलता है कि तुमने मुझे मार क्यों नहीं किया, मुझे ग्लैन हंटर्स से डर नहीं लगता, ना ही मुझे तुम्हारे फादर से लगते हैं। और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे दिखावे की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तुम हमेशा ही मुझे हार्शली ट्रीट करते थे और तुमने कहा था कि तुम मुझसे थक गए हो, तुम मुझसे जल्दी से बताओ। तो लुजिन उससे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ फेड अप नहीं हुआ था मैं, लेकिन तुम्हें सच में मार्क नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी यांजी को थोड़ा शांत करने के लिए वो उसे मार्क करने की कोशिश करता है और उसे बाइट करता है। तभी जो यांजी है ये देख के थोड़ा खुश हो जाता है और फिर जो लुजिन है वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो। तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाता है जो कि लुजिन को बोलता है कि सर आपके लिए जो आपने मंगाया था वो सारी चीज़ें रेडी हैं। तभी लुजिन के वहाँ से जाने के बाद जो यांजी है वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है जो लुजिन है उसने उसे मार कर लिया है। तभी वो अपने आप को मिरर में देखने जाता है और हम देखते हैं जो यांजी का मार्क होता है वो डिसअपियर हो जाता है। ये देख के जो यांजी है उसे बुरा लगता है, उससे वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है कि ये गायब कैसे हो सकता है। तभी उसके पीछे जो लुजिन है वो खुद को उससे मतलब महसूस करता है कि उसके पीछे इल्यूजन है और जो कि उसे बोल रहा है कि जो मार्क है वो डिसअपियर हो गया, वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो कंपेटिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो ये सारी चीज़ें याद आती है, जो यांजी है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद की जो नेक है उस पर गन पॉइंट करता है। ये देख के जो इल्यूजन है वहाँ पर जब आता है तो फिर वो यांजी का नाम चलाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। सो तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो यांजी है वो खुद को शूट कर लेता है और जो लुजिन है वो उसके पास जाता है। जो यांजी है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है तो लुजिन उससे बोलता है कि यांजन प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हारे हमेशा अच्छे से देखभाल करूँगा। और तभी वो महसूस करता है जो यांजी है उसके नेक के पीछे से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है। तो जो लुजिन है वो जल्दी से उससे बोलता है कि प्लीज़ मेरे ऐसे मत करो, मुझे ऐसे डराओ मत। और फिर वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है। तभी हम देखते हैं जो लुजिन है और यांजी दोनों गाड़ी में होते हैं। जो लुजिन है वो यांजी से बोल रहा होता है कि यांजी प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें नए घर में लेके जाऊंगा जो सिर्फ हमारा होगा, जिसमें सिर्फ हम दोनों रहेंगे। और मुझे हमेशा से पता था कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, बस ऐसा था कि मैंने उसे अपने दिल पर नहीं लाया और मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करना चाहता था, तुम्हारी जो सारी होप्स हैं उसे फेल करना चाहता था। प्लीज़ आई एम सॉरी, अभी मैं चेंज हो गया हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे पता है मैं गलत था और मैं ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं करूँगा। तभी हम देखते हैं जो यांजी होता है वो वैसे ही होता है और उसे रिस्पांस नहीं दे रहा होता है। तो लुजिन उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे जो ईयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और तुम मुझे ही उसे किस करने देते थे। और फिर वो उसके ईयर्स पर किस करता है और ये सोच के कि यांजी उठ जाएगा, लेकिन यांजी उठता नहीं है। तभी हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर पिंक्शन होता है और जिंक्शो होता है, दोनों बात कर रहे होते हैं। तो जो पिंक्शो है वो जिंक्शो से बोलता है कि तुम फिर से भाग मत जाना, तुम्हें पता है ना इससे हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो जिंक्शो है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लुजिन की एंट्री होती है जो कि उसे यांजी को लेकर ऑपरेशन थिएटर में जा रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। तभी डॉक्टर उसे कंसोल करने की कोशिश करता है लेकिन जो लुजिन है वो उसे गुस्से से वहाँ से भगा देता है। तभी जो पिंक्शो है वो पीछे से उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि सुबह तो ये सब ठीक था, अभी क्या हुआ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो बाहर आता है और उससे बोलता है कि यांजी की जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा है, मुझे पता नहीं कि वो बच पाएगा या नहीं। ये सुन के जो लुजिन है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। तो जो पिंक्शा है वो उसे शांत करता है। तभी जो लुजिन है वो उससे बोलता है कि प्लीज़ यांजी को बचाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कितना ही पैसा और रिसोर्सेज चले जाएँ। तो फिर डॉक्टर उससे बोलता है कि मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, ये सारी चीज़ें उसकी जो इंजरीज हैं उस पर डिपेंड करता है और उसकी विल पावर पर डिपेंड करता है। तभी जो लुजिन है वो बाहर होता है और सोचता है अपने मन में कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास हॉस्पिटल है और अगर यांजी को यहाँ नहीं बचा सकता तो और किसी हॉस्पिटल में तो कोई होप ही नहीं बचे है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जिंक्शा होता है जो कि रो रहा होता है काफ़ी बुरे तरीके से और फिर वो उससे बोलता है कि लुजिन सच बात कहूँ तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं था कि जो यांजी है वो इस एंड पे पहुँच गया है, मुझे बस इतना नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा रूथलेस हो गए। तो लुजिन उससे बोलता है कि
उसने खुद को गन से शूट कर लिया जब मैं वहाँ पर उसके पास नहीं था। और फिर वो उससे बोलता है कि मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया, मैं सच में उससे उसकी अच्छे से केयर करना चाहता था और एक नई शुरुआत करना चाहता था। तो फिर उसकी बात सुन के जो यंजी है, सॉरी रिंशो है, वो हंसने लगता है और उससे बोलता है कि तुम चेंज होना चाहते थे। तुम्हें पता है यंजी की डायरी जिसमें इतने ज़्यादा फैंटेसीज हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है? और फिर वो यंजी की डायरी लूजिन के पास फेंकता है, जिसमें जो यंजी है उसने उसे पॉइंट्स वगैरह दिए होते हैं और उसकी पूरी फीलिंग्स होते हैं। ये देख के जो लूजिन है वो काफ़ी बुरे तरीके से रोने लगता है। और फिर हम देखते हैं थोड़े टाइम के बाद का सीन, और सोचता है लूजिन अपने मन में कि ये सारी चीज़ें मेरी एक्शन की वजह से ही हुई हैं। अगर यंजी ने मुझे छोड़कर जाने का फैसला ले भी लिया तब भी ये मेरी ही गलती है, मैं उसे डिज़र्व नहीं करता। तभी वहाँ पर हम रिंशा को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रहा होता है और यंजी के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी इमरजेंसी रूम के बाहर किसी का वेट करूँगा। तभी वो इंस्टाग्राम चेक करता है जिसमें जो बॉस होता है मतलब यंजी का, वो मतलब उसने पोस्ट डाली होती है। तो जो रिंशो है वो उसे बता देता है कि तुम्हारा जो एम्प्लॉय है वो अभी हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है उसे। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो यंजी उसे बाहर लाया जाता है, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती और अभी तक वो होश में नहीं आया होता। तो वो डॉक्टर उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, अभी जो पेशेंट है वो सही नहीं है। और फिर जो लूजिन है वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो लूजिन है वो डॉक्टर से बोलता है कि प्लीज़ मुझे उसे देखने दो, मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। और फिर वो यंजी को देखने लगता है। तभी वहाँ पर रोहित आंग आता है और उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने थोड़े दिन से तुम्हें नहीं देखा और तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो और यंजी को क्या हुआ है? और फिर वो उससे बोलता है कि तुम शांत रहो, इससे तुम न्यूज़ में आ सकते हो और सभी की जान को खतरे में डाल सकते हो। और फिर वो पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और उससे बोलता है कि जो पेशेंट है उसके जो ग्लैंड्स हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं और अगर वो बच भी गया तभी उसके जीने के ज़्यादातर चांस नहीं है। तभी वो ये बात सुन के जो लूजिन है वो सैड हो जाता है और फिर वो सोचता है कि क्या यही है सब कुछ। तभी वहाँ पर वही यंग डॉक्टर आता है और उससे बोलता है एक्चुअली एक मेथड है ग्लैंड ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन इसकी सक्सेस रेट इतने ज़्यादा हाई नहीं है, इसके लिए हमें जो यंजी है उसके ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग ही सेल चाहिए होंगे। तो उसकी बात सुन के जो महाराज जिंशो है वो उसके पास आता है और उससे बोलता है कि जो रैबिट है उसके जो ग्लैंड्स हैं हमें डोनेशन बैंक में मिल सकते हैं। तो फिर जो यंग डॉक्टर है वो उससे बोलता है कि नहीं, जो रैबिट है उसके A3 डिफ्रेंसिएशन के ग्लैंड्स हैं जिसकी वजह से जो सेल है वो हमारे बैंक में नहीं मिल सकते। तो उसके बाद उनके जो जिंशो है वो परेशानी में पड़ जाता है। तभी जो लूजिन है वो उससे बोलता है कि मैं जाऊँगा, मैं उसके लिए हर एक चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। तभी डॉक्टर उससे बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता ही है, अगर हम एक हफ्ते में उसकी जान नहीं बचा सके तो फिर शायद यंजी कभी भी नहीं उठेगा। तभी जो हमारा लूजिन है वो जा रहा होता है कहीं पर, तो ये देखते जिंशो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लूजिन उससे बोलता है कि मैं पब में जा रहा हूँ, जो PBB होता है ये वाला पब, और ये ग्लैंड हंटर्स के लिए होता है। तभी रोहियांग उसकी जो गन है उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए सांस लो और सांस को छोड़ो, इससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा और उसके बाद मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। तो फिर लूजिन उससे बोलता है कि उसके पास सिर्फ एक हफ्ता ही है, अगर मैं उसे बचा नहीं सका तो कौन उसे बचाएगा। तभी जो जिंशो है वो उससे बोलता है कि उसके पेरेंट्स का क्या हुआ, हो सकता है उसके पेरेंट्स से उसका ग्लैंड्स मैच हो और हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो फिर जो लूजिन है वो उसे बताता है कि जो यंजी है वो एक एक्सटर्नल बॉडी है जिसे पब में तैयार किया गया था, वो एक क्लोन से बना हुआ है, तुम्हें पता है उसके पास कुछ भी नहीं है और मैंने उसे जैसे देखा है वैसा उसे किसी ने भी नहीं देखा है, वो एक बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है उसका हिस्सा है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो किसी जगह में से निकला है। तभी हम देखते हैं जो लूजिन है बचपन में एक जगह पर जाता है और वहाँ पर जो यंजी है छोटा वाला वो होता है और उससे बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो। तो फिर वहाँ पर जो लूजिन है वो उसे बचाता है और वहाँ से निकाल कर लेकर आता है। तो अभी जो लूजिन होता है ना वो काफ़ी परेशान होता है और वो बोलता है कि सिर्फ मैं ही जो यंजी है उसे बचा सकता हूँ, मुझे उसे ढूँढना ही होगा।
और फिर वो रुयांग से बोलता है कि तुम्हें एक हफ्ते तक जो यांजी है उसका ख्याल रखना होगा मेरी जगह पर। सो नेक्स्ट सीन की शुरुआत में हम देखते हैं जो लुचन है वो अपने मन में सोचता है कि यांजन मेरे आने का वेट करना, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम उसे देखते हैं अपनी कंपनी में जाते हुए जहाँ पर बहुत सारे लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। तो जो वो लुचन है वो सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि क्या क्या हैंडल करना है। तभी हम देखते हैं दूसरे सीन में जो लुचन होता है वो अपनी यूनिफॉर्म पहन लेता है और फिर वो रेडी होता है पब में जाने के लिए। और यहाँ पर जो लुचन है वो हेलीकॉप्टर में होता है और सोचता है कि यांजी अगर तुम उठ गए तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में कोई भी चीज़ याद ना रहे, अगर तुम्हें मेरे बारे में कोई भी चीज़ याद नहीं रही तो शायद तुम अच्छे से जी पाओगे। और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालने के लिए तैयार हूँ और ये मेरी तुम्हारे लिए कॉम्पनसेट होगी इतने सारे सालों की। तभी उसके हाथ में डायरी होती है यांजी की जो कि वो रीड कर रहा होता है, और फिर वो बोलता है कि यांजी ने ये सारी चीज़ें भी नोट की है, वो कितना ज़्यादा सिली है। और फिर वो अपने हार्ट को पकड़ता है और सोचता है कि क्या यांजी ने कभी जो पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज भी किए हैं। तभी वो याद करता है जब उसने उसे फोर्सली अबॉर्शन किया है तब क्या उसने मुझे ज़ीरो पॉइंट्स दिए होंगे या फिर नेगेटिव दिए होंगे, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं होती आगे डायरी को पढ़ने की। तभी हम देखते हैं जो लुचन है उसके पीछे होता है जिंगशाओ जो कि बोल रहा होता है लुचन को कि तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी मौत को देखने के लिए चले हो और जैसा कि मूवीज़ में होता है। तो उसकी बात सुनकर लुचन उससे पूछता है कि तुम अंदर कैसे है। तो फिर जो जिंगशाओ होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कब तुम्हारे हेलीकॉप्टर में एंटर हुआ, तुम इतने ज़्यादा फोकस जो थी अपने नोटबुक देखने के लिए। तो फिर जो लुचन है और जिंगशाओ वो थोड़ी और बातें करते हैं यांजी के बारे में, और तभी जो जिंगशाओ है वो लुचन के पास जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम वहाँ पर जाकर मर गए ना तो मैं तुम्हारे जो सैंपल्स हैं वो घर लेकर जाऊँगा और यांजी का अच्छे से ख्याल रखूँगा, और अगर तुम जिंदा वापस आ गए तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं करूँगा। तो फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर बैट लगाने की हिम्मत है। तो अभी जो लुचन है उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देता और उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे ब्रदर को पता है कि तुम यहाँ पर आए हो। तो जो जिंगशाओ है वो अपना फेस को टर्न करता है उससे बोलता है कि हाँ उसे पता है। तो लुचन को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो उससे बोलता है कि नॉनसेंस। तब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जो जिंगशाओ वो बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो हेलीकॉप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी हम देखते हैं जो लुचन है वो उसे पकड़ता है पीछे से और उसे बेहोश कर देता है और सोचता है अपने मन में कि मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि ये बिल्कुल भी अपने भाई को बता कर नहीं आया, अगर इसे कुछ हो गया बाई चांस तो जो उसका भाई है वो मेरी कंपनी और मेरे घर को दोनों को ही बर्बाद कर देगा। और फिर वो सोचता है कि अगर फ्यूचर में इसके भाई को कभी भी लूर सरनेम का कोई भी इंसान मिला तो वो उसे किल भी कर सकता है, मैं सच में इसे अपने साथ नहीं लेके जा सकता, वरना अगर उसे कुछ भी हो गया तो फिर हम सभी मुसीबत में आ सकते हैं। तभी लुचन अपने मन में सोचता है कि अगर किसी का ऐसा भाई हो ना तो अगर वो बीमार नहीं भी हो तब भी वो एग्जॉशन से मर सकता है। तभी वहाँ पर उसे यांजन की याद आ जाती है और फिर वो सोचता है कि अगर फ्यूचर में हमारा कोई चिल्ड्रन होता तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होता। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है जो एवरलास्टिंग लव मांगा है वो कॉन्टिन्यू है, मतलब अभी फिनिश नहीं हुई है। अभी इसका जब लास्ट अपडेट आएगा तभी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी, वरना ये अभी यहीं तक अपडेटेड है। आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी अच्छी लगी हो। तब तक आप मेरी दूसरी मांगास को सुन सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में बस इतना है।